तो सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपने वेबसाइट पे एक कॉन्टेंट अस का पेज बनाना चाहते हैं, वो कैसे आप बना सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको कुछ क्यूरी होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग आपकी वेबसाइट है तो उस पर तो कॉन्टेंट जैसा पेज जरूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसको आप अपनी वेबसाइट पर कैसे बना सकते हैं कि इसके बाद जैसे ही आप उसको फॉर्म को फिल करेगा तो वो आपकी आपको उसका डाटा मिल जाएगा। तो जैसे कि नाम क्यूरी हुआ, आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि आप उसको कुछ ईमेल्स पे कुछ भेज सकते हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट सेल की वेबसाइट है तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं। तो आपको कैसे यूज़ करना है, आप कैसे अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए भेजने वाले हैं, तब भी एक ये जो कि एल्गोरिथम में होता है कि एडसेंस की कि आपके वेबसाइट पे जो ये कॉन्टेंट अस का पेज होना ज़रूरी है, और जैसे कि बहुत सारे पेज होते हैं ज़रूरी होते हैं, इसके साथ ये कॉन्टेंट अस का पेज बनाना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बस इस वीडियो को कंटिन्यू स्टार्टिंग लेके इन तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आपको सारे स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए। अगर आप वीडियो को स्किप करके वॉच करते हैं, हो सकता है आप भी इसको सेटअप ना कर पाएँ अपनी वेबसाइट पे और अपनी वेबसाइट को यूनिक ना बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो के कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं तो जो कि फ्री हैं और बहुत सारे यूनिक भी हैं और थीम से रिलेटेड मैंने वो सारा बना रखा है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो मैं बात कर रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे कि मैं एक वेबसाइट अपनी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई भी रिफ्रेश करेगा इस वेबसाइट को, जैसे कि मैं एक वेबसाइट पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट को का होम पेज जब ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने वाला होगा। तो जैसे कि अगर कोई भी वेबसाइट इसके ओनर से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो उससे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो सीधे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के बाद इसका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेट का इशू है इसलिए थोड़ा सा स्पीड डाउन हो रहा है आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म ओपन हो चुका है। इसके बाद जैसे यूज़र यहाँ पे अपना डिटेल को फिलअप करेगा और यहाँ पे अपना एक कमेंट लिखेगा, कोई भी नाम या जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, इसके बाद देन यहाँ पे जैसे सबमिट करेगा तो यूज़ जो उसका एडमिन होगा उसके पास इसका ईमेल आईडी और नाम और सब कुछ इसका डिटेल चला जाएगा और वो उसे आपसे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्टेंट अस का पेज बनाना, जैसे कि एडसेंस के लिए जब भी आप इसको सेंड करते हैं अपनी वेबसाइट को तो वहाँ पे भी उसके लिए आपको भी बहुत सारे पेज, जैसे कि कॉन्टेंट अस हुआ और प्राइवेसी पॉलिसी हुआ, अबाउट अस, इसके अलावा आपको कॉन्टेंट अस का पेज भी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसको अपना पेज कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने जिस वेबसाइट पे आप अपने कॉन्टेंट अस का पेज बनाना चाहते हैं उसका डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे बनाने वाला हूँ, यहाँ पे कोई भी कॉन्टेंट अस का पेज नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले एडमिन पैनल पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड आएगा और यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आए, तो यहाँ पे सर्च पे आपको करना है WP फॉर्म। जैसे यहाँ पे सर्च कर देंगे WP फॉर्म, यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा। बहुत सारे WP फॉर्म के मिलेंगे जो इतना प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैं जो यूज़ करता हूँ WP फॉर्म को यूज़ करता हूँ। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और इतना तो सब कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्टिवेट इसको कर लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और देन इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुल तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 मिलियन प्लस लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इतना ये इसका आ जाएगा डैशबोर्ड। इसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपग्रेड टू WP फॉर्म, अगर आप इसको फ्री में चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको आप फ्री में प्रीमियम वर्जन प्रो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कहाँ से इसका प्लगइन्स मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
जिसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा WP फॉर्म का। तो इसमें बहुत सारे इसमें पेमेंट्स हुआ, बहुत सारे फील्ड्स में दे रखे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को यूज़ टेम्पलेट को क्लिक कर देना है। इस वाले टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको सिंपली। जैसे कि नाम रखना है आपको, सबसे टॉप पे रखना चाहते हैं नाम, तो यहाँ से उठाएंगे सिंपली, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सॉरी हो नहीं पाया यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम का देख सकते हैं आ चुका है। और इसके बाद जैसे कि आप उसी यूज़र से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, ईमेल आईडी जैसे कि लगा सकते हैं आप, इसमें जो भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं उससे, उसका यूज़र का, अगर आपको उसे वेबसाइट URL या अपलोड फाइल जो भी इशू हो, जो भी जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना लगा सकते हैं। इसके बाद जो एक ज़रूरत होती है और सिंगल जो मैं लगाया था उसी का बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से नंबर भी ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एक कमेंट भी दे सकते हैं कि इससे यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे इसको रिनेम कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको कमेंट यहाँ पे जो भी देगा यूज़र उसको मिल जाएगा, इसमें रिक्वायरमेंट को ओपन कर देना है। इसके बाद स्टिक हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि यूज़र इसको जब फिलअप जब तक नहीं करेगा, इसमें कुछ ना कुछ नहीं डालेगा तब तक वो सबमिट नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड को ज़रूर ओपन कर देना है, यहाँ पे स्ट्रिक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। और इसके बाद यार इतना काम हो चुका है, और अभी सारा काम नहीं हुआ है तो बस इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर वॉच करते रहना है, तो सारा मैं बताता हूँ अभी। तो इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली एक पेज एक बना लेना है। अगर आपने पेज बना रखा है कॉन्ट्रैक्टर्स का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको पेजेस मिल जाएगा, पेजेस के बाद एड न्यू पे क्लिक कर देना है। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेज बनाना है, जैसे कि एक पेज डाल देना है, किस नाम से बनाना है, कॉन्टैक्ट अस इस नाम से पेज बनाने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको शेड्यूल लगा हुआ है, इसमें विजुअल इसमें पोस्ट इसको कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे ये पोस्ट हो चुका है, इसके बाद ये अपडेटेड कर देना है इसको, ठीक है, इसको बैक आ जाना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे इतना कर लेने के बाद एक ही पेज बन गया है। तो इसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रोल डाउन करना है आपको, यहाँ पे आपको अपीयरेंस पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे मेनू मिल जाएगा, मेनू पे क्लिक कर देना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो पेज मेरा बना रखा था पहले, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप ये ओपन हो जाएगा मेनू आपका, तो ये यहाँ पे जो इसके इस तरह से यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड दिखता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए होम पेज लगा हुआ है पहले, तो इस तरह से यहाँ पे वर्डप्रेस लगा हुआ है, इसके अंदर ये WP थीम्स लगा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो अगर इसको कहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक इसको पेज बनाया तभी, तो आपको यहाँ पे ये पेजेस दिख रहा है, आल्स पेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी दिख रहा है रिसेंटली मोस्ट पे, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको ना दिखे तो ऑल पे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके एड टू मेनू पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मेनू पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जैसे सबसे नीचे ओपन हो। आप इसको कहाँ लगाना चाहते हैं तो उठा के जहाँ चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अबाउट के पहले लगाना चाहूँगा इसको, इसके बाद सेव टू मेनू पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा पेज एक क्रिएट हो चुका है, जो कि अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे पेज हमारा लग जाएगा कॉन्टैक्टर्स का यहाँ पे। बट यहाँ पे ये जब भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये ब्लैंक आएगा, अभी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको यहाँ पे लगाने के लिए जो मेन काम है अब होगा, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपने फिर से पोस्ट पे यानी कि पेजेस पे जाना है, ऑल पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने कॉन्टैक्टर्स का पेज बनाया था इस पर आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू यहाँ पे चॉइस आएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, WP फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आपका इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा WP फॉर्म, तो इस पर आपको ओपन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो जितने भी फॉर्म क्रिएट कर रखे हो वो यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पेज बनाया था सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म का, तो उस पर ये सारा डिटेल था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे इसके बाद इसको अपडेट कर देना है।
अपडेट करते ही ये आपकी वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा। अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है। अब मैं जैसे कि कोई भी इसमें इसे फिलअप करूँगा और कमेंट भी कुछ लिखूँगा, देने इसके बाद सबमिट करूँगा तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपकी वेबसाइट पे इसका यूज़र यानी कि फीडबैक चला जाएगा और वहाँ से यूज़र अपने रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है इसको फॉर्म को लगाना। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं फ्री में तो कैसे यूज़ होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नेट ऐप को ओपन करना है अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे जो भी हो आपके पास। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है tushtaggy.com। इस पर जैसे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली ही इस पोस्ट को किया हुआ था, तो इसके बाद मैंने कोई पोस्ट नहीं किया हुआ। तो ये WP फॉर्म का प्रीमियम वर्जन है, तो इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। GPL फाइल है, तो इसमें आपको सारे जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप अगर आप ओनली आपको कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म ही बनाना है तो आप इसको सिंपली जो उसका लाइट वर्जन है इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रो वर्जन को बाई करने का या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। तो इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी करना है, नेट ऐप पे ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे इस पर पेस्ट करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी तो मीडिया फायर का। इसके बाद यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, ये तो बनता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।